हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अवर स्क्रिप्ट है अपनी 88 क्लास 4 एंड 5 डियर इंग्लिश वर्क बुक के लिए। कॉम्पिटेंस ये यूज प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएटली। आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन सीखेंगे, क्या सीखेंगे अभी? प्रीपोजिशन अव्यय। अब यहाँ पर क्या, अभी एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या बैठा है? अभी डॉग बैठा है। तो देर इज ए डॉग, एक कुत्ता है इन द बॉक्स। हाँ, पर भी पहले से ही कोई चीज के अंदर बैठा है तो इन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखो, अभी बॉक्स में तीन कैट बैठी हैं, देर आर कैट्स, बिल्लियाँ हैं इन द बॉक्स। कहाँ पर भी? बॉक्स में। अब यहाँ पर देखो, अभी रीड एंड सर्किल, आपको पढ़ना है और सर्किल करना है। अब देखो, अभी यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर दो क्या है, अभी चेयर है, एक टेबल है, एक लैंप है, एक विंडो है, यहाँ पर एक क्या है, अभी बुक्स पड़ी हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देखना है और उसको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। पहला कह रहा है आपको ओनली सर्किल करना है, घेरा बनाना है। देयर आर टू चेयर्स, यहाँ पर दो चेयर्स हैं। इन द रूम या ऑन द रूम, कमरे के ऊपर होती तो ऑन आता, अब क्या है अभी इन है, तो यहाँ पर क्या लगाओ भी आप, इन के चारों तरफ सर्किल लगा दो, इन सही है। और सिक्स नंबर क्या कह रहा है इसमें भी, देयर इज ए कारपेट, यहाँ पर एक दरी है। कारपेट क्या होता है भी, चटाई है। अंडर या इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के नीचे है या सामने है? एंड चेयर्स, कुर्सियों की, कुर्सियों के सामने है या नीचे है? अब नीचे है तो क्या लगाओ भी आप, अंडर का प्रयोग करो। अगर इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, तो अब ये सामने है तो आप यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। सब प्रयोग करेंगे भी इनका, क्योंकि इन टेबल और चेयर के सामने पड़ी है, नीचे नहीं पड़ी है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, अभी दो नंबर देखिए, देयर इज ए टेबल, वहां पर एक टेबल है। अबो या अंडर द विंडो, खिड़की के ऊपर है या नीचे है? अबो और अंडर का प्रयोग होता है तुलनात्मक, यहां पर बिलो आना चाहिए था, वैसे क्या आना चाहिए था अभी, बिलो। अबो का अपोजिट होता है बिलो, क्या होता है अभी, बिलो। अब देखो अभी ये क्या है, अभी नीचे है ना, तुलनात्मक रूप से खिड़की ऊंची है, टेबल नीची है, तो आप यहां पर क्या करेंगे अभी, बिलो का प्रयोग करेंगे, अर्थात अंडर का प्रयोग भी कर सकते हो, ज्यादा बढ़िया रहेगा बिलो। यहां पर दिया हुआ नहीं है तो आप अंडर का ही प्रयोग करेंगे। देयर इज ए पिलो, एक तकिया है। इन ऑन वन ऑफ द चेयर्स, कुर्सी के अंदर है या ऊपर है, तो आप बताइए, कुर्सी के ऊपर है, क्या है अभी, ऊपर है, तो आप यहाँ पर ओन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे अभी, ओन का प्रयोग करेंगे। देखो भी, देयर इज ए टेबल बिटवीन या बिहाइंड द टू चेयर्स, दो कुर्सियां हैं, उनके बीच में टेबल है या उनके पीछे टेबल है? ये देखो, दो के बीच में, बीच के लिए क्या आता है अभी, बिटवीन आता है। दो वस्तुओं के बीच में कोई चीज, कोई वस्तु हो तो किसका प्रयोग होता है, बिटवीन होता है। ज्यादा होती तो यहाँ पर अमंग आता, क्या आता अभी, अमंग, ये भी याद रखना। देर आर टू पिलोज, यहाँ पर दो तकिए हैं, पिलो क्या होते हैं अभी, तकिए। ऑन या इन अनदर चेयर, दूसरी चेयर के ऊपर है, यहाँ पर क्या लगाओ अभी, ऑन। अगला है भी, देर इज ए लैंप, एक लैंप पड़ा है। ऑन या बिसाइड द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है या बिसाइड होता है पास में, ये आप बताओ, ऊपर पड़ा है, बिसाइड का अर्थ होता है पास में, पास में तो कुर्सी पड़ी है इसके, ये ऑन आया गया अभी, ऑन। देर आर बुक्स अबव या ऑन ए सेल्फ, सेल्फ होती है अलमारी, ये जो किताबें हैं वो उसके ऊपर पड़ी हैं या अबव हैं, ऊपर पड़ी हैं, इसके क्या पड़ी है अभी, ऊपर पड़ी हैं, तो आप यहां पर क्या सा प्रयोग करेंगे अभी, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब वो भी ऊपर होता है, अब वो क्या होता है, तुलनात्मक रूप से ऊपर होता है, वो टच नहीं कर रही होती, अब ये टच कर रही है, टच कर रही है तो ऑन आएगा। अब किताबें है ना, अगर यहाँ पर इसके ऊपर और कोई चीज वस्तु पर होती, इसको टच नहीं कर रही होती सेल्फ को, तो अब वो आता, अब टच कर रही है तो ऑन आएगा। देर इज ए कारपेट, एक चटाई है। इन ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर है या अंदर है? फ्लोर के ऊपर है, ये चटाई पड़ी है, देख रहे हो आप। देर इज ए पिक्चर इन ऑन द वॉल, अब यहाँ पर एक तस्वीर है, ये देखो, वॉल के ऊपर है या अंदर है, तो तस्वीर हमेशा वॉल के
ऊपर होती है, दीवार के ऊपर होती है, यहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे भी, फोन का प्रयोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।